बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू की तीसरी किताब के सफ़ा नंबर 46 पर मौजूद खाली जगह पुर करेंगे और सफ़ा नंबर 47 पर मौजूद अल्फाज के मानी और जुमले बनाएंगे। तो जो जुमले हमने मुकम्मल करने हैं उसमें हमने क्या लगाना है, जुमले की मुनासबत से है या हैं लगाना है और उससे जुमले को मुकम्मल करना है। यहाँ पे नामुकम्मल जुमला किताब में दिया गया है अल्लाह ताला हमारा रब। आगे हमने लगाना है, देखना है कि है लगाना है या हैं। चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा वाहिद है तो इसके आगे हम लिख देंगे है, एक चीज़ के लिए या एक ज़ात के लिए। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, अल्लाह ताला हमारा रब है। दूसरा जुमला है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है के, तो ये जाहिर करता है ज़्यादा को या मोहतरम के लिए। जब हम किसी मोहतरम हस्ती के लिए लिखते हैं तो वो हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तीसरा जुमला है आसमान का रंग नीला, तो यहाँ पे लिखा हुआ है का मतलब एक, तो आसमान एक है, आसमान का रंग नीला है। चौथा है चिड़ियाँ दाना चुगती, यहाँ पे चिड़ियाँ हैं, जमा है, एक नहीं है, वाहिद नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे हैं, चिड़ियाँ दाना चुगती हैं। पांचवा जुमला है मेरे पास दो किताबें, यहाँ पे फिर क्या है जमा, तो जमा के लिए हैं लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, मेरे पास दो किताबें हैं। छठा जुमला है अब्दुल कदीर खान पाकिस्तानी साइंसदान हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए मोहतरम शख्सियत हैं तो इसके लिए यहाँ पे हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। सातवां जुमला है मेरे अबू डॉक्टर हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे है ना, और वैसे भी वालदैन मोहतरम होते हैं तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मेरे अबू डॉक्टर हैं। आठवां है कुत्ता भौंक रहा, और वैसे भी कुत्ता क्या लफ्ज़ है, वाहिद है, तो इसके आगे क्या आएगा, है, कुत्ता भौंक रहा है। आगे हमारे जुमले हैं, इन लफ्ज़ों के हमने मानी भी बताने हैं और जुमले भी। तो पहला लफ्ज़ है बीमारी, बीमारी का मतलब है मर्ज, तो इसका जुमला होगा आलिया बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गई। दूसरा है अजर, अजर का मतलब होता है सिला या बदला, अच्छा बदला, तो नेकी का अजर सिर्फ अल्लाह देता है। तीसरा है मुआहिदा, मुआहिदा का मतलब अहद, तो इसका जुमला है फरीकैन में तिजारत का मुआहिदा हुआ। उसके आगे है खिदमत, खिदमत का मतलब है देखभाल, तो इसका जुमला हम बनाएंगे, हमें बुज़ुर्गों की खिदमत करनी चाहिए। आखिरी लफ्ज़ है कारोबार, कारोबार का मानी है काम धंधा, तो इसका जुमला क्या होगा, मेहनत से कारोबार में बरकत होती है। ये अल्फाज मानी और जुमले आपने याद करने हैं और खाली जगह को अपनी किताब में उससे है या हैं से पुर करना है।